إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر طرح کی تعریف توصیف بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اکیلے معبود برحق ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے یہ دن رات کا نظام بنایا, گرمی اور سردی کا یہ نظام بنایا, کبھی بارش کا موسم اور کبھی بغیر بارش کا موسم اپنی حکمت سے بنایا, جس نے کوئی بھی چیز بغیر کسی حکمت کے بیکار نہیں بنائی, وہی اکیلا معبود برحق ہے. اسی کے ہاتھ میں ساری طرح کی قدرت و طاقت ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس ذری برابر بھی رائی کے دانے کی طاقت بھی نہیں ہے کہ جس کی ہم عبادت کر سکیں. اور درود و سلام ہو ان مبارک ہستیوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں اور اپنے درمیان پیغمبر کے لیے چنا, اور ان سارے پیغمبروں میں خصوصی درود و سلام ان سارے پیغمبروں کے سردار امام میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں کسی طرح کی ذرہ برابر بھی کوتاہی کمی تقصیر نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, پانی زندگی کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے. پانی انسانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. جیسے سانس ضروری ہے, ویسے پانی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے. ہر ہم تھوڑا سا اس زندگی کے بارے میں تصور کریں کہ جس میں پانی نہ ہو. کچھ ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ, تین گھنٹہ ہم اپنے گھر کو دیکھ لیں کہ گھر میں پانی نہیں ہے, گھر میں پانی کا ایک خطرہ نہیں ہے, کیا زندگی سکون سے گزرے گی؟ ہمارے دل کو چین ہوگا کہ ہاں سب کچھ ہے, پکانے کے لیے ہے, دھلنے کے لیے ہے, صفائی کے لیے ہے.
अगर घर में 5 घंटे के लिए एक कतरा पानी ना हो क्या हो सकता है? चैन खरार नसीब होगा, दिल को नहीं होगा। आदमी सोचता रहेगा कि पानी कब आएगा, कहां से मिलेगा, कितनी दूर में पानी है, वहां से जाके लेके आएंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा वजअलना मिनल माई कुल शैइन हय, हमने हर चीज को, अल्लाह कह रहा है वजअलना मिनल माई कुल शैइन हय, हमने हर चीज को पानी ही से जिंदा रखा है, हर चीज को। ये लकड़ी भी अगर है, अगर पानी ना होता तो ये ना ये कपड़ा बनता, ना ये लकड़ी बनती, ना ये मस्जिद बनती, ना ये दीवारें बनती, कोई भी चीज़ हम जिंदगी का कोई भी चीज़ देख लें, जब पानी से मिलाया जाता है, पानी से उसको धुला जाता है या पानी से उसको तैयार किया जाता है, हर चीज़ अब बनने के लिए पानी की मोहताज है। तो हम पानी कितनी ज़रूरी चीज़ है। और जब अल्लाह कुरान में कह रहा है, कुरान ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह जो हर चीज़ का इल्म रखता है, जिसको हर चीज़ की हिकमत पता है, जिसकी इल्म की इंतहा नहीं है, जो खबीर है, जो बसीर है, जो हकीम है, जो अलीम है, उस कुरान में अल्लाह कह रहा है हमने हर चीज़ को पानी से ज़िंदा रखा है। बड़ी अहम चीज़ है, पानी के बगैर ज़िंदगी ना साजगार होगी, ना खुशहाल होगी, ना मुमकिन है कि ज़िंदगी गुजरे। ये पानी अल्लाह की नियामत है, इसी के ज़रिए अल्लाह हमको रिज़्क देता है, इसी के ज़रिए अल्लाह हमको सेहत भी देता है। ये अगर बरसातें ना हो तो इल्म रखने वाले, माहौलियात का इल्म रखने वाले जानते हैं कि किस किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं। इन बारिशों के ज़रिए अल्लाह ताला फिज़ा को कैसे हमारे लिए सेहतयाब बनाता है, हर चीज़ में ज़रूरी है। अल्लाह ने कुरान में पानी का बार बार जिक्र किया है, हम पर एहसान जतलाया है कि हमने तुमको पानी की जैसी अजीम नेमत अता की है, बेशुमार आयतें हैं। और जहाँ पानी नेमत भी है, जहाँ पानी अल्लाह का रिज़्क भी है, जहाँ पानी के ज़रिए अल्लाह हमें सेहत, बहुत बे इंतहा सेहत की चीज़ों से नवाजता है, वहीं पानी के ज़रिए अल्लाह आजमाता भी है। अल्लाह इसी पानी को अजाब भी बना देता है। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, हर चीज़ पर ताकत है उसकी, वो बड़ी बड़ी नियामतों को अजाब में बदल देता है। इसी पानी के ज़रिए अल्लाह ताला ने कौम नूह को बर्बाद किया। हालांकि अगर हमको पानी ना मिले एक दिन दो दिन, हम बर्बाद हो जाएं, लेकिन इसी पानी के ज़रिए अल्लाह ने कौम नूह को बर्बाद किया। कौम आद को भी अल्लाह ने इसी पानी के ज़रिए बर्बाद किया। और दुनिया के सबसे बड़े सरकश, हद से ज़्यादा अल्लाह की नाफरमानी में आगे बढ़ जाने वाले फिरौन को जब अल्लाह ने हलाक करना चाहा, तो उसके लिए, उसको हलाक करने के लिए अल्लाह ने किस तरह का अज़ाब चुना? यही पानी का, जिस पानी पे वो फ़ख्र करता था कि मेरे महल ऐसे हैं कि उसके नीचे से पानी बहता है, मेरे महल पानी पर बसे हुए हैं, उसको पानी पर नहरों पर बड़ा फख्र जताया करता था। अल्लाह ने उसी पानी को उसके अजाब के लिए चुना और उसी पानी में उसको डुबो कर उसको हलाक किया। कुरान में अल्लाह ने ये बताया है कि अल्लाह किन किन चीज़ों से अल्लाह ने कौमों को अजाब दिया है। अल्लाह ने उनको गिनाते हुए कहा फकुल्लन अखज़ना बिज़म्बिही फ़मिनहुम मन अरसलना लहु हासिबा وَمِنْهُمْ और फिर कहते कहो وَمِنْهُمْ مَنْ أَصَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا। अल्लाह कहते हुए कहा कि हमने तुमसे पहले पिछली उम्मतों को उनके अजाब की वजह से अजाब दिया है, उनके गुनाहों की वजह से अजाब दिया है। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा गुनाह कर लिए, गुनाहों में हद से ज़्यादा जब बढ़ गए, अखज़ना बिज़म्बिही उनके बार बार गुनाहों की वजह से हमने उनको अजाब में पकड़ा। पहला अजाब क्या? फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, जिन पे हमने पत्थरों की बारिश बरसाई। क्या किया? पत्थरों की बारिश बरसाई।
और कहा وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ صَيْحَةً बास को हमने कड़क भेजी, सख्त आवाजें, दिल को पास पास कर देने वाली आवाजें भेजी, और बास को हमने जमीन में धसा दिया, और कहा बास को हमने जमीन में डुबो दिया, बास को हमने जमीन में डुबो दिया, और कहा وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ अल्लाह बंदों पे जुल्म करना नहीं चाहता, अल्लाह बंदों को यानी जिन को अल्लाह ने हलाक किया है, किसी को कड़क के जरिए, किसी को पत्थरों की बारिश के जरिए, किसी को ज़मीन में धंसा कर, किसी को डुबो कर, अल्लाह कह रहा है मैं जुल्म नहीं करना चाहता किसी पे, मैं बंदों को अज़ाब देना नहीं चाहता, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून ये बंदों के गुनाह थे, ये उनकी मेरी नाफरमानी थी, ये उनके शैतान की बातों पे हद से ज़्यादा चलना था, मुझसे हद से ज़्यादा दूरी के सबब था कि मैंने उनको ये सारे अजाब दिए। मैं इसे क्या बताना चाह रहा हूँ, ये कि जब अल्लाह ने अजाबों का जिक्र किया तो उसमें एक अजाब डुबोना, पानी की कसरत लाकर सैलाबों के जरिए, या फिर बारिश की बेइंतहा, अल्लाह बेइंतहा बारिश करके पानी ज़्यादा करके जो डूबे के मारता है, हमको तारीख में अगर हम देखें तो हमको दिखता है कि कितने कितने बड़े सैलाब आते रहते हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर होता है सुनामी का, कि उसमें अल्लाह ने कैसे एक समंदर में कोई चीज़ पैदा करके पूरी बड़ी बड़ी आबादी को तबाह कर दिया था। उसके साथ साथ अभी हम 2-3 महीने पहले या फिर 6 महीने पहले या 1 साल पहले गौर करते हैं तो हमारे इलाकों में, कभी तमिलनाडु में, कभी केरला में, कभी दूसरे इलाकों में, कभी बंगाल के साइड, हम देखते रहते हैं कि ये अजाब आता रहता है। ये अल्लाह का अजाब है, पानी अल्लाह का अजाब है। हमें जब बारिश वगैरह हो रही हो उस वक्त तालीम दी गई कि हमें क्या करना है। सबसे पहले जब बारिश वगैरह का मौसम होता, हवाएं चलने लगती, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले दुआ करते। बारिश से पहले अल्लाह ताला हवाएं भेजता है, बारिश से पहले अल्लाह का एक निज़ाम है, हवाएं आने लगती हैं, हवाओं के ज़रिए लोग समझते हैं। जैसे ही हवाएँ आने लगती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन दुआ में लग जाते, बेचैन हो जाते, पहले खामोश नहीं पड़ते, बेचैनी के साथ चलने फिरने लग जाते कि कहीं अल्लाह का अजाब ना हो। तो हमें भी चाहिए कि जब हवा आने लगे तो हम मुतमईन ना हो जाएं कि हाँ चलो चलिए हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, अभी ये बारिश ही है, अल्लाह की नियामत ही है। हो सकता है कि अल्लाह का अजाब भी हो जाए, हो सकता है उसके ज़रिए अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों की सज़ा देना चाहता है। जब हवाएं चलने लगे तो सबसे पहले नबी करीम सल्लम का तरीका एक ही दुआएं करते थे कि अल्लाह तू इस हवा को रहमत बना, इस हवा के बाद जो बारिश हो रही है उसको तू अपना इनाम बना, रहमत बना, उसको तू अजाब ना बना। और जब बारिश शुरू हो जाती है, जब बारिश बरसने लगती है, उस साल उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन दुआएं मौजूद हैं। जैसे एक दुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश बरसते वक्त दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, ऐ अल्लाह तू इस बारिश को मौसलाधार बना, ज़्यादा बारिश बना कि इससे ज़मीन सैराब हो, इससे जानवरों को पानी नसीब हो, इंसानों को पानी नसीब हो, और नाफिया नाफिया इस बारिश को तू नफा का जरिया बना, ये अजाब ना हो, इस बारिश के जरिए हम पे कोई और तरह अजाब ना आए। ज़रूरी है कि हम दुआ करें, क्योंकि कभी बारिश अल्लाह की नियामत भी है, कभी बारिश अल्लाह का अजाब भी है। इसलिए रसूल हम कहते थे अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, ऐ अल्लाह बारिश खूब भी हो, मौसलाधार भी बरसे, और उसको तू नफादार भी बना, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी कभी बरसातें सब कुछ हलाक कर देती हैं, अच्छी खड़ी खेतियाँ रास्ते तोड़ देती हैं, और फिर घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है जब भी बारिश हो रही हो बस ये ना समझें कि इसमें रहमत ही रहमत है, बल्कि दुआ क्या करें। और ऐसे ही अगर बारिश ना हो रही हो, कई सालों से बारिश ना हो रही हो, बारिश की सख्त ज़रूरत है, बारिशें ना हो रही हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था सलातुल इस्तिस्का, बारिश तलब करने के लिए अल्लाह से दुआ, एक ख़ास नमाज किया कर पढ़ा करते थे ईदगाह में जाकर, जिसमें फटे पुराने कपड़े पहनकर, खाली पैर, झुके हुए,
और सर झुकने से पहले अपना दिल झुका हुआ अल्लाह के सामने आजीजी इंकिसारी इख्तियार करते हुए, क्या अल्लाह तो रहमान है, तो रहीम है, बारिश ना होने की वजह से इंसान परेशान है, जानवर परेशान है, चरिंदे परिंदे हर तरह की परेशानी में हैं, तो अपने रहमत नाजिल फरमा। और अगर हम गौर करें उन दुआओं पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखलाई हैं बारिश तलब करने के लिए, बहुत ही बेहतरीन दुआएं हैं, बेहतरीन अल्फाज के साथ कि जिसमें इंसान का दिल अल्लाह से लग जाए, इंसान की आंखें बहने लगें। और ख़ास तौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कायनात में अल्लाह की सबसे ज़्यादा इबादत करने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी दुनिया में अल्लाह की सबसे ज़्यादा इबादत करने वाले थे, जिनकी इबादत पर अल्लाह ने फ़ख्र किया। अल्लाह ने कुरान में 5 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द के लफ्ज़ से पुकारा फ़ख्र पे कि ये मेरा बंदा मोहम्मद। अल्लाह ने असल हमको पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। इंसानों के ज़रिए अल्लाह ताला कोई मदद नहीं चाहता है कि हम इंसान मेहनत करके अल्लाह का कोई साथ दें इस कायनात को चलाने में, इस कायनात को संभालने में, नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ने पैदा किया है, हम सबको मालूम है कि सिर्फ कि हम उसकी इबादत करें। और कौन इबादत करता है अल्लाह की, वो उसके पास उतना महबूब है। जिस मकसद के खातिर अल्लाह ताला ने इस कायनात इंसानों को बनाया और इंसानों की खातिर इस कायनात को बनाया, इस मकसद को सबसे ज़्यादा पूरा किया किसने? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग मौके से पढ़ा करते थे, खुशी के मौके पे, गनी के मौके पर, कभी रिस्क की कुशादगी है, कभी रिस्क की तंगी है, कभी हर तरह के हालात में हमें चाहिए कि वो दुआएं हम अपने पास रखें। और फिर देखेंगे इस मौके पर रसूल क्या दुआ करते थे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी इबादत किसी की इबादत नहीं है। बेहतरीन अल्फाज, बेहतरीन आजीजी, इनकी सारी वो सारा कुछ उसमें मौजूद है जो अल्लाह हमसे चाहता है कि हमारा दिल अल्लाह के सामने झुके, हमारी आंखें अल्लाह के उम्मीद से बहें भी और कभी उसके डर से भी बहें, सब कुछ मौजूद है। बारिश के ताल्लुक से जो रसूल की दुआएं हैं, अगर हम कभी तन्हाई में बैठ के पढ़ने लगें, उसको तर्जुमे के साथ पढ़िए, दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, हम अल्लाह से और करीब हो जाएंगे। हमें ये चीज़ करनी चाहिए, सारी रसूल की हम दुआएँ रखें, तर्जुमे के साथ रखें और उसको पढ़ने की कोशिश करें। ये चीज़ थी कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो क्या दुआएं हैं। और जब बारिश बरस रही है शुरू हो चुकी है, उसकी क्या दुआएं हैं। और फिर अगर बारिश ज़्यादा हो रही है, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है और डर हो रहा है कि कहीं ये बारिश हमारे लिए नुकसान ना बने, तो उसकी भी दुआएं हैं। एक मरतबा मदीने में बारिश नहीं हो रही थी, सारे लोग परेशान थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे थे, तो एक सहाबी, गालिबन वो मदीने के नहीं थे, बाहर के थे, किसी मदीने के बाहर किसी खरिये के, जिनको बद्दू लोग कहा जाता है, बद्दू सहाबी थे, वो आए और खुतबे के दौरान नबी करीम सल्लम को मुखातब किया और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग और जानवर मर रहे हैं, रास्ते ज़मीन फट रही है खुशकी की वजह से, आप अल्लाह से हमारे लिए बारिश की दुआ फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान अल्लाह के सामने हाथ उठाई, बारिश की दुआ फरमाई। सहाबे कराम कहते हैं जब हम खुतबे के लिए, जुमा के खुतबे के लिए आ रहे थे, सख्त तरह की गर्मी थी, दूर दूर तक बादल का कोई नामो निशान नहीं था, सब परेशान थे बारिश के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हाथ उठाए, अभी आप हमने हाथ नीचे ही नहीं किए थे कि मदीने को बादल घेरने लगे, आसमान में बादल आने लगे और हम नमाज ख़त्म करके अपने घर सही तौर से ना पहुँच सके, दौड़ के जाना पड़ा, उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। अल्लाह सुनता है जो उसको दिल के साथ पुकारे, जो उसको सच्चे लगन के साथ पुकारे, यकीन के साथ पुकारे। और फिर कहते हैं उस हफ्ते पूरी बारिश होती रही, मौसलाधार बारिश होती रही, तेज़ बारिश होती रही। दूसरा जुमा था, उसके बाद का अगला जुमा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, फिर वही सहाबी उस दरवाजे से दाखिल हुए जहाँ से वो पहले आए थे,
अभी तक वो मस्जिद नबी में दरवाज़ा है, उसका नाम रखा गया है बाबुर रहमा, रहमत वाला दरवाज़ा। उस दरवाज़े से दाखिल हुए और उन्होंने खुतबे ही के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब लोग और जानवर बारिश की ज़्यादती की वजह से मर रहे हैं। पहले रास्ते बारिश ना होने की वजह से फट रहे थे, अब बारिश की ज़्यादती की वजह से फट रहे हैं। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमसे ये बारिश रोक ले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त हाथ उठाए और फरमाया, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ऐ अल्लाह तू इस बारिश को हमारे अतराफ में फेर दे, हमारे दूर पहाड़ों पर, वादियों पर, बागात पर, खेतों पर फेर दे, हम पर, शहर पर नहीं। तो सहाबी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई कि मदीना ऐसा हो गया कि जैसे कोई एक चीज़ दरमियान में रखी हो, उसको दरमियान में से कोई चीज़ घेरे हुए हो, यानी हर तरफ बादल है, मदीने में नहीं बरस रहे हैं लेकिन मदीने के अतराफ में जो पहाड़ हैं, वादियाँ थे कि उनके जो बागात थे वहाँ पर बरस रहे थे। तो अगर बारिश ज़्यादा हो रही है, खतरे का डर है, तो उस वक्त की दुआ है अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना व अलल आकाम व ज़िराबी व बुतून अल औदियती व मनाबित अश्शजर। ये हमें दुआएं याद होनी चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। यही रसूल सल्लम की इत्तिबा का मतलब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब क्या है कि जिस मौके पे जो रसूल ने दुआ की है, जिस मौके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका इख्तियार किया है उसको अपनाने की कोशिश करें। असल मतलब यही है जो हम कहते हैं अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्या मतलब है अल्लाह के रसूल हैं? वो अल्लाह के पैगंबर हैं, उन्होंने ज़िंदगी का जो जो तरीका दिया है, जिस जिस मौके पे जो अलग अलग दुआएं सिखलाई हैं, अलग अलग जो तरीके सिखलाए हैं, उस तरीके पे मुझे चलना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे से मोहब्बत का सबसे सही तरीका ये है कि हम रसूल सल्लम की सीरत को पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ें कि रसूल सल्लम के खाने के आदाब, उठने बैठने के आदाब, निकाह के आदाब, सफ़र के आदाब, तिजारत के आदाब, और उसमें क्या करते थे, किस तरह की दुआएं आप सबने सिखलाई हैं और किस तरह का हुक्म दिया है, उसको पढ़कर उसको अपनी ज़िंदगी में लाएं। यही असल मोहब्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ताबेदार बनाए, हमें अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत नसीब फरमाए, हमें हमारी ज़िंदगी इस्लामी अहकामात पर चले, और ये जो बारिश हो रही है अल्लाह इस बारिश को नियामत बनाए, रहमत बनाए, अल्लाह इसको हम पर अज़ाब ना बनाए। अक़ूलु मा तस्मऊन अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूह। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات، بارش کے تعلق سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر بارش زیادہ ہو رہی ہے، हमको उससे नुकसान हो रहा है, हम अल्लाह की किसी भी चीज़ को बुरा भला ना कहें कि बारिश ने हमारा नुकसान कर दिया, इस बारिश के वजह से हमारा नुकसान हो गया या फिर ये बर्बादी लेके आई, इसे ये सब कुछ हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि रसूल ने फरमाया कि ला तसुबुद्दह, तुम ज़माने को गाली ना दो। ये जो ज़माने की जो सख्तियाँ हैं, ये जो ज़माने की तुम्हारी सख्तियाँ हैं, ये जो ज़माने की वजह से किसी भी चीज़ की वजह से तुम्हारा जो नुकसान हो रहा है, तुम इसको गाली ना दो। ये जो सख्तियाँ किया है, ये जो बारिश लाने वाला मैं ही हूँ, ये जो गर्मी है या ये जो भी नुकसान है, इसको ये नुकसान किसके हुक्म से हो रहा है? अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, अल्लाह की मर्ज़ी की वजह से हो रहा है। अल्लाह ताला जानता है कि इसमें हिकमत क्या है। हमको लग रहा है कि नुकसान है, हमको ये लग रहा है कि ये नुकसान है, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि इसमें क्या फ़ायदा है आगे के लिए, या दूसरे मोहल्लों वालों के लिए, या इस वक्त दूसरे चरिंदों को क्या ज़रूरत है इसकी, हमको मालूम नहीं है। हमको सिर्फ हमारा मेरी जो दुनिया है, मेरा जो घर है, मेरे जो बच्चे हैं, या ये कि मेरा जो
मेरा जो गांव है मुझको इसी का इल्म है, लेकिन अल्लाह अलीम है, खबीर है, उसको पूरी कायनात का इल्म है। अल्लाह को मालूम है कि अगर उससे इस वक्त ये बारिश ना हो आगे क्या होगा, अल्लाह को इल्म है। तो ये सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दें, कभी किसी चीज़ को बुरा भला अल्लाह के जो अहकाम होते हैं गर्मी के, सर्दी के, बारिशों के, या बारिशें ज़्यादा होने की वजह से जो नुकसान है, दूसरी चीज़ों की वजह से जो दूसरा नुकसान है, ये सारे मामले अल्लाह के सुपुर्द करना है। क्योंकि मोमिन की ज़िंदगी सिर्फ दो है, या तो शुक्र या तो सब्र। अल्लाह ने कुरान में इसका बार बार जिक्र किया है कि मोमिन या तो सब्र करने वाला होता है या तो शुक्र करने वाला होता है। नियमतें हैं अल्लाह का शुक्र है, मुसीबतें हैं सब्र है, ये ज़रूरी है ज़िंदगी में, मुसीबतें ज़रूरी है। इसलिए जब हम ईमान के जो छः अरकान हैं, ईमान के छः अरकान, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की भेजी गई किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, और छठा रुकन क्या है, अच्छी और बुरी तकदीर दोनों पर, सिर्फ अच्छी तकदीर पर ईमान नहीं है कि अल्लाह ने हमारी तकदीर में अच्छा ही लिखा है, हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ हम जैसा चाहते हैं वैसा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी में बुराइयाँ आने वाली हैं, अल्लाह ने उसको लिखा है, वो जानता है कि किस वजह से लिखा है। हमको आजमाता भी है, कभी देखी भी आजमाता है, कभी छीन की भी आजमाता है, या कोई चीज़ हमको बुरी लग रही है लेकिन उसमें बात के लिए हमारे लिए खुद फ़ायदा है, दूसरों के लिए फ़ायदा है, तो बुरा भला नहीं कहना है। और बारिश का एक हुक्म ये भी है कि अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हैं तो कभी कभी नमाज मिलाकर पढ़ी जा सकती है। उलमा इकराम इसका फैसला करेंगे कि क्या हालात हैं किस चीज़ की बिना पर मस्जिद में एक ही नमाज दो मरतबा पढ़ी जाएगी कि बार बार लोगों को तकलीफ़ ना हो। और बारिश का एक हुक्म ये भी है कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो मस्जिद से खुद अजान दी जाएगी कि आज तुम नमाज अपने घर ही पर पढ़ दो, सल्लु अला रिहालिकुम, अपनी नमाज अपने घरों ही में पढ़ दो। मौजिन साहब जब अजान देंगे, अजान देते हुए हया अलस्सलाह हया अलफलाह के बाद या उन दोनों के बजाय ये कहेंगे सल्लु अला रिहालिकुम, तुम अपनी घरों ही में नमाज पढ़ दो। और ये हुक्म है, इस्लाम हमारा आसानी वाला दीन है, ये इस्लाम इंसान के खिलाफ नहीं चलता है। इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, इंसान की जिस चीज़ में भलाई है, इंसान जितना बर्दाश्त कर सकता है इस्लाम उतना ही हुक्म देता है। अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हैं जिसमें जिसकी वजह से अगर हमको मालूम है कि अगर हम निकलेंगे रास्ते साफ नहीं है, हम भीग जाएंगे, छतरी के बगैर भी छतरी हुई तभी भी भीग जाएंगे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, गिरने का डर है, सही सलामत मस्जिद नहीं पहुँचेंगे, तो अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं किया है। नमाज पढ़ना ज़रूरी है, हतमी है, उसको किसी हालत में माफ़ नहीं है। अगर डर है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कि जैसे हम दुकान के लिए नहीं निकल रहे, सख्त ज़रूरत है, हम डर रहे हैं दुकान को निकलने से, अगर ऐसी डर है कि नहीं जा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, रास्ते साफ़ नहीं है, पानी ज़्यादा बह रहा है, या रास्ते कहाँ टूट गया है, या फिर रास्ते में कोई चीज़ें आगे पड़ी हुई हैं साफ़ नहीं है, घर में पढ़ लेना है, खुद मौजूद साहब अजान में कहेंगे सल्लू फी रिहालिकुम, अपने तुम घरों में नमाज पढ़ लो। ये सारे अहकाम हैं बारिश के, इसका जिक्र सब कुछ मौजूद है। अगर कभी ऐसा मौका होता है तो इस मौके पे हमको चाहिए कि हम आजकल बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, आजकल नेट हमारे हाथों में है, बहुत कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। अगर हम इस नेट को अपने लिए फ़ायदेमंद बताना चाहते हैं तो हम देख लेंगे आज बारिश हो रही है, गवर्नमेंट ने बता दिया है कि 3-4 दिन तक बारिश चलती रहेगी, तो हम सर्च कर सकते हैं कि भाई ऐसे हालात में इस्लाम का क्या हुक्म, रसूल का क्या तरीका था, उलमा इकराम ने, फुकहा ने क्या क्या अहकाम बयान किए हैं। क्योंकि हमें इल्म होना चाहिए, इस्लाम हमारा मज़हब है और इस्लाम में हर चीज़ की वजाहत है, हमें सीखना चाहिए, हमें इल्म होना चाहिए। जैसे हमको दुनिया का हर चीज़ का इल्म होता है, दुनिया का हमको पहले चीज़ें बहुत चीज़ें मालूम नहीं थी, ये नेट की वजह से हम सब कुछ पढ़ लेते हैं कि भाई क्या चीज़ है और फिर क्या होने वाला है। तो इस तरीके से हम उलमा इकराम से पूछ करके कौन सी चीज़ सही है, किसकी इबारतें पढ़ी, इस तालुक से इल्म हासिल करें। इसमें सारे अहकाम मौजूद हैं, इस्लामी शरीयत बारिश के अहकाम पर भरी हुई है, इसको पढ़ लेना चाहिए, इल्म होना चाहिए, यही एक इस्लाम का ऊंचा दर्जा है। एक होता है कि बस हम मुसलमान हैं, जी रहे हैं, बस हमारा नाम मुसलमान है, एक उस तरीके से जीना असल है, और एक कि मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, मैं नबी रसूल को मानता हूँ, नबी का इस बारे में क्या तरीका था, उसको पढ़िए, उसमें सारे अहकाम मौजूद हैं, तलाश करने से मिल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बारिश को हमारे लिए रहमत का ज़रिया बनाए, इसको अजाब ना बनाए,
अल्लाह हमें हमेशा अपने फजल करम में रखे, हमारे हर छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमाएं, हमारे वो गुनाह जो हमने तनहाई में किए हैं, ज़ाहिरी में किए हैं, अच्छी हालत में किए हैं, बुरी हालत में किए हैं, अल्लाह सारे ज़ाहिरी बाती गुनाहों को माफ़ फरमाएं, हमें जो कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़ को उनके कर्ज़ की अदायगी का ज़रिया फरमाएं, जो बीमार हैं उनकी बीमारी उनको बीमारी से शिफा नसीब फरमाएं, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाएं। और याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ना अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किया है, वाजिब किया है, और यही काम है जिसके बारे में अल्लाह ने अपनी सिफ़त अदा की कि मैं भी नबी पे दरूद पढ़ता हूँ, फरिश्ते भी पढ़ते हैं, अय मोमिनो अय मुसलमानों तुम भी उन पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद सलाम पढ़ते रहा करो। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलैन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.